उपमंडल स्वारघाट के तहत पंचायत समिति स्वारघाट पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। अध्यक्ष पद के रोचक मुकाबले में किरण देवी को निर्वाचित घोषित किया गया। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की तरफ से किरण कुमारी ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं भाजपा की बागी सपना ने कांग्रेस की तरफ से अपने दावेदारी ठोकी। आपसी सहमति नहीं बनते देख चुनावी अधिकारी SDM सुभाष गौतम को चुनाव प्रक्रिया करवानी पड़ी, जिसमें दोनों दावेदारों को साथ साथ मत पड़े जबकि एक मत रिजेक्ट हुआ। अब किस्मत के खेल में किरण देवी ने बाजी मारी। वहीं सपना देवी ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में आकर उसे जबरदस्ती हराया गया है। उपाध्यक्ष पद पर विजय कुमार को नवनिर्वाचित घोषित किया गया। मैंने ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा, तो उसमें वोट है पूरी पूरी 15 में से 7-7 वो ही हमारे को, ठीक है। एक वोट उन्होंने कैंसिल करी, हमारे को नहीं पता था कैसे, सरकार का दबाव, ठीक है। तो अभी मैं उनको बार बार यही बोलती थी कि हम पर्चियाँ नहीं डालेंगे, वो बोलते कि पर्ची डालेंगे, हमने बोला कि पर्ची नहीं हम डालेंगे। उन्होंने जबरदस्ती पर्ची डला के एक स्कूल से लड़की लिया के उससे दो ही पर्ची थी, सो उनने उन लड़की से पर्ची उसकी चुका दी, ठीक है। और मैं सहमत नहीं है इनके साथ, हमारे भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने दोनों अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बधाई दी है तथा लोगों का आभार व्यक्त किया है तथा कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। आज के इस चुनाव से स्पष्ट हुआ है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आपने देखा, जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, चाहे वो नगर परिषद की बात थी चाहे वो पंचायत समिति की बात थी, परंतु कांग्रेस पार्टी के नेता जनता के उस जनादेश का अपमान करने का प्रयास करते हैं, उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। परंतु आज सत्य की जीत होकर साबित हो गया कि जनता ही भगवान है और जनता जो फैसला करती है वो सही होता है। मैं बधाई देता हूं पंचायत समिति की अध्यक्षा किरण शर्मा जी को, उपाध्यक्ष बने विजय कुमार जी को, और विश्वास दिलाता हूं इस पंचायत समिति से चुने हुए सभी पंचायत सदस्यों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये जीत दिलवाई है, कि हम मिलकर काम करेंगे, एकजुट होकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास के कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इनके माध्यम से सभी BDC सदस्यों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं समस्त जनता को और सभी BDC सदस्यों को आज की इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।